हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड इज वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल मसाले चाय का रेसिपी, जो ये इस विंटर में बहुत काम आने वाला है। तो उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड उसके साइड पे जो राइट में जो बेल बटन है प्लीज उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी आप सबके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज बनाते हैं ढाबा स्टाइल मसाला चाय। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मसाला टी बनाने के लिए हमें जो चाहिए, आइए देख लेते हैं। ये है इलायची, लौंग, फेनल सीड, पेपरकॉर्न, सिनेमन स्टिक्स, बे लीफ, और ये है कबाब चीनी, और ये है जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एक जायफल का टुकड़ा हमें चाहिए, और चाहिए जिंजर। एक्चुअली आप लोग चाहो तो ड्राई जिंजर ले सकते हो। अगर आप लोग ड्राई जिंजर ले रहे हो तो आप एक साथ ये सब रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राई जिंजर नहीं ले रही हूँ, तो ये बाद में आएगा जब मैं टी बनाऊंगी तब। तो अभी मैं ये जिंजर, फ्रेश जिंजर है, ये ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये जो मसाला है इसको मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ थोड़ा सा। तो फ्राइंग पैन को मैंने मीडियम पे कर दिया है और थोड़ा सा गर्म भी हो गया है, तो अब सब इंग्रेडिएंट्स मैं एक साथ ऐड कर देती हूँ। अभी हम ये जो चीज सब है सबको 1 to 2 minutes थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है हल्का सा, ये जो इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा ब्राउन हो जाएगा तो चल जाएगा। सो इसको हम कूल डाउन करने के लिए छोड़ते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम इसको मिक्स में पीस लेंगे। ये रहा मसाला, आप देख सकते हो ये एकदम पाउडर जैसा तो नहीं होता है, ये थोड़ा ऐसा रहता है। तो ये बन गया ढाबा स्टाइल चाय का मसाला। तो इसको आप स्टोर कर सकते हो 6 to 9 months फ्रिज में, एक एयरटाइट कंटेनर में रखो और फ्रिज में रख दो, तो अंटिल 9 months यू कैन स्टोर इट। सो चाय के लिए मैं 2 cup भर भर के पानी देती हूँ। एक्चुअली वी आर टी पर्सन, तो मेनली इन विंटर वी लव टी, इसलिए पूरा ये जो कप है फुल कप टी चाहिए मुझे और मेरे हस्बैंड को। सो ये मैंने पानी चला दिया और इसको मैं थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दिया, और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड जिंजर, ये फ्रेश जिंजर है जो अभी मैं पानी में बॉईल करने के लिए इसके साथ ऐड कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें पाउडर मिल्क डालेंगे। पानी गर्म हो गया, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मिल्क पाउडर। मसाला टी जो होता है वो बहुत थिक होता है, मतलब भर भर के दूध दिया जाता है, सो मैंने इनफ 4 spoon मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया और मैं इसको थोड़ा मिला देती हूँ और इसको अच्छे से अब बॉईल करना है। सो लेट इट बॉईल एटलीस्ट 3 to 4 minutes। टी ऑलवेज में पाउडर मिल्क से बनाती हूँ क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि काउ मिल्क जो होता है उसे एसिडिटी या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, तो अगर पाउडर मिल्क यूज कर रहे हैं तो एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। समटाइम्स इन इवनिंग जब हम लोग चाय पीते थे पहले बहुत प्रॉब्लम होता था एसिडिटी का, बट जब से हम लोग ने पाउडर मिल्क में शिफ्ट किया वो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है देन यू कैन ट्राई दिस। अभी ये मिल्क अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो आई एम गोइंग टू ऐड मसाला 1.5 spoon मैंने मसाला ऐड कर दिया। मैं ये मसाला ऐड करने के बाद अभी इसको छोड़ दूंगी और थोड़ा बॉयल होने के लिए,
ताकि जो मसाले की जो खुशबू है थोड़ा अच्छे से मिल जाए। अब मैं ऐड करने वाली हूँ गुड़। आप चाहे तो शुगर ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं विंटर में मेनली, तो मैंने गुड़ ऐड किया 2 स्पून। चाय पत्ती में डाल रही हूँ। और 2 मिनट्स मैं इसको मीडियम हीट में बॉईल करूंगी। ये बन गया मसाला टी। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया और मैं अभी ये कप में ले लूंगी। सो ये बन गया धाबा स्टाइल मसाला टी इस विंटर में, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये मेरा मसाला चाय रेडी है। आप लोग भी बनाइए और प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।